गुड इवनिंग सभी को। कल तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कंप्लीट किया था। आज हम क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ में। बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रोस्पोर जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो इसी से हम इसका कंसेप्ट क्लियर करते हुए डेफिनेशन बनाएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स टेट्राड थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन टेट्राड का मतलब होता है चार का ग्रुप, चार का समूह। ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो चार के समूह में बनते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा। बनते किससे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं। किसकी सहायता से बनते हैं? मियोसिस के माध्यम से बनते हैं। और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फोर माइक्रोस्पोर अरेंज इन टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेट्रल अरेंजमेंट। जनरली क्या होता है बच्चों, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में जो ये पॉलन ग्रेन बने या जो माइक्रोस्पोर बने, ये जो इनकी संख्या तो है चार, और इनकी जो अरेंजमेंट है, जो इनकी व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस तरीके से होती है जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया है। तीन तो हमें दिखाई दे रहे हैं माइक्रोस्पोर, और एक माइक्रोस्पोर इनके पीछे होता है जिसको पेपर पे शो नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा अरेंजमेंट दिखे आपको तो वो अरेंजमेंट, वो ज्योमेट्री कहलाती है टेट्राहेड्रल, यानी चार का समूह। और टेट्राहेड्रल का पर्यायवाची है आइसोबाइलेट्रल। तो जनरली मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो माइक्रोस्पोर चार होते हैं वो इसी रूप में व्यवस्थित होते हैं। किस रूप में होते हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेट्रल। बट यहाँ पे मैं इनके एक्सेप्शंस की बात कर रही हूँ, चूँकि पीएमटी और नीट की तैयारी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर जो जनरल वे में जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर प्रश्नों का फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, बल्कि एक्सेप्शंस के ऊपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि जनरली तो ये अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल या आइसोबाइलेट्रल होता है, बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में इट मे बी ये अलग अलग प्रकार से होता है। उसमें मैंने पहला नाम लिया लीनियर। ध्यान दीजिए बच्चों, लीनियर यानी एक लाइन में। इसमें जो चार माइक्रोस्पोर बनेंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे, देखिए एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक, लीनियर। तो ये जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? लीनियर अरेंजमेंट। और लीनियर अरेंजमेंट आपको किस में दिखेगा? एस्क्लेपियाज, ये एक प्लांट का नाम है एस्क्लेपियाज। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि एस्क्लेपियाज में पॉलन ग्रेन का, माइक्रोस्पोर का जो भी अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है? तो आप आंसर देंगे लीनियर। नेक्स्ट, सेकंड जो इसका अरेंजमेंट होता है वो होता है डी कसेट। वापस से देखिए, डी कसेट, डी कसेट इस तरीके का आपको दिखाई देगा। इसमें एक माइक्रोस्पोर ऊपर, एक माइक्रोस्पोर नीचे और दो बीच में। तो ये जो शेप और साइज आपको दिखाई दे रही है, अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं डी कसेट। और डी कसेट का एग्जाम्पल जो है वो है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट डी कसेट टाइप का होता है। थर्ड जो हमने अरेंजमेंट देखा वो है टी शेप्ड, यानी टी के बड़ा जो कैपिटल टी होता है उसके शेप में। तो ये उसका एग्जांपल है प्लांट का अरेस्टोलोकिया। और अरेस्टोलोकिया के अंदर आपको दिखाई देगा कि दो माइक्रोस्पोर ऊपर होते हैं, एक बीच में और एक उसके नीचे। दो शेप आता है, वो शेप आता है टी शेप। तो टी शेप के माइक्रोस्पोर अरेंज होते हैं अरेस्टोलोकिया में। उसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन के बारे में। चूंकि आपको पता है कि कल हमने देखा कि माइक्रोस्पोर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, या हम बात करें कि एक एंथर जो है उसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, उनमें मियोसिस के कारण माइक्रोस्पोर बनते हैं, और यही माइक्रोस्पोर आगे जाकर पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। तो दीज आर हैप्लोइड, ये दोनों ही हैप्लोइड हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम का हाफ सेट पाया जाता है। ये यूनिन्यूक्लियेट होते हैं, इनमें एक न्यूक्लियस होता है, माइन्यूट यानी बहुत छोटे होते हैं। स्पोर प्रोड्यूस होते हैं किसमें? लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। और किसके कारण बनते हैं ये? मियोसिस के कारण। और ऐसा किसमें होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में होता है। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो पाई जाती है माइक्रोस्पोरेंजिया में, जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये माइक्रोस्पोर का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है। तो इस माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर में क्या दिखाया गया है कि ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। इसके अंदर की इनर लेयर है, उस इनर लेयर को हम कहते हैं एंटाइन। और यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको देख कहा है जर्म पोर, जिससे पॉलन ट्यूब निकलेगी। प्लांट्स के अंदर चूँकि वैक्यूल बहुत बड़ी शेप की होती है, तो हमने इसको वैक्यूल को शो किया है, और इसके अंदर एक ही हमने न्यूक्लियस शो किया है। तो यहाँ पर हमने बात की कि पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्साइन, EXINE। यहीं से क्वेश्चन पुट होगा कि माइक्रोस्पोर की बाहर की जो लेयर होती है उसका नाम क्या होता है? एक्साइन।
एंड मेड अप फ्रॉम स्पोरोपोलेनिन, और वो बनी किसकी होती है, स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस की। ध्यान दीजिए बच्चों, स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही हाईली रेजिस्टिव सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर एसिडिक बेसिक किसी प्रकार की कोई भी एक्शन पॉसिबल नहीं होते, और ये बहुत ही हाईली रेजिस्टिव सब्सटेंस है जो एक्साइन को बनाता है। इनर लेयर की बात करें तो वो इनर लेयर कहलाती है इंटाइन एंड मेड अप फ्रॉम द पैक्टोसेलुलोज, यानी ये दो सब्सटेंस की बनती है, पैक्टो का मतलब पैक्टीन और सेलुलोज का मतलब सेलुलोज। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन और किया है पीएमटी के लिए, नीट के लिए, नीट की जो भी तैयारी है, कि जो एग्जाइन है जो स्पोरोपोलेनिन की बनी, ये भी फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जो सबसे बाहर वाली है वो कहलाती है सेक्साइन और अंदर वाली कहलाती है नेक्साइन। फिर आगे जाकर इसका डिफरेंशिएशन होता है, जो सेक्साइन है वो अंदर की तरफ डिवाइड होकर कहलाती है एंडोसेक्साइन और बाहर की तरफ डिवाइड होकर कहलाती है टेक्टम। बाहर की तरफ डिवाइड होकर कहलाती है टेक्टम। नेक्स्ट उसके बाद में नेक्साइन जो है वो भी आउटर बाहर की तरफ जाकर क्या कहलाती है, फुट लेयर, और अंदर की तरफ ये कहलाती है एंडोसेक्साइन। ये आपको डिफरेंशिएशन ज़रूर याद करना है। एक्साइन को हमने दो पार्ट में बांटा, सेक्साइन और नेक्साइन। सेक्साइन दो पार्टों में डिवाइड हुई पार्ट्स में, अंदर वाली एंडोसेक्साइन, बाहर वाली टेक्टम। नेक्साइन भी दो भागों में डिवाइड हुई, आउटर वाली फुट लेयर, इनर वाली एंडोसेक्साइन। उसके बाद में हमने बात की दो चीज़ें, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन क्या कहलाती है, पेलिनोलॉजी। ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन कहलाती है पेलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन एलर्जी भी क्रिएट करते हैं, जिसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह होती हैं, और ज़्यादातर ये जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास के हो सकते हैं। पोलन ग्रेन यूज्ड एज टू सप्लीमेंट्स। आजकल क्या होता है कि ये भोजन के रूप में भी उपयोग किए जा रहे हैं, इनके सिरप्स बन के आते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, इसलिए इनको फूड सप्लीमेंट भोजन के साधनों के रूप में भी उपयोग में किया जाता है। बच्चों, ये जो भी आपको ये बताया जा रहा है उसके अच्छे अच्छे प्रकार के नोट्स बनाइए, और इसके फर्दर की बातें जो होगी आगे की वो कल के वीडियो में क्लियर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।